जय मा सरला, जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, आस्ट्रो पाराडाइस यूट्यूब चैनल को मुझे आस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, आज गोटे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक उपर डिस्कशन करिबा। बहुत सारा दर्शक बंधु मानकर कमेंट थिला, सर विवाह रे जदि विलंब हो थाए, बहुत प्रस्ताव आसीगला परे जदि ता फाइनल न होई कि भांगी जाउ थाए, तो ता पई कोन आमे प्रतिकार करिबा। आज ए टॉपिक उपर आमे आलोचना करिबा। आपनको निवेदन करबी, प्लीज आपण माने टॉपिक को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपणकर कही रिलेटिव आपणकर जनाशुना आपणकर चिन्हा जनारे जदि एई भली विवाह र बाधा विवाह समस्या जदि तांकर देखा दो थाय, ता निश्चित भाबरे आपण ए उपाय करबाकु ताकु कोहंतु। देखिबे खूब कम दिन भितरे विवाह संपन्न होई परिबो। दर्शक बंधु, टॉपिक स्टार्ट करबा पूर्व आपणकर निवेदन करबि, प्लीज आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु, वीडियो को लाइक करिबे। आपणको मनर जदि किछि क्वेश्चन थिबो, किछि डाउट थिबो, मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। ताल दर्शक बंधु, आउ डेरी करिबानी, आसंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। दर्शक बंधु, विवाह प्रतिबंधक को जदि आमे विचार को नबा, ताहाले जातकर द्वितीय सप्तम पंचम एवं एकादश स्थान को देखिबा को पड़िथाय। द्वितीय भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव एवं एकादश भाव रो शुभाशुभ को नहीं आमे विवाह कथा चिंता करिबा। द्वितीय स्थान होची कुटुंब स्थान, सप्तम स्थान होची विवाह स्थान, पंचम स्थान होची संतान स्थान, एकादश स्थान होची लाभर स्थान। तेणु जन्मजातकर एही चारोटी स्थान को तर्जमा कला परे जना पड़े कि विवाह प्रतिबंधक काहीं आसुची। आउ गोटे कथा, विवाह प्रतिबंधक सृष्टि करूथिबा ग्रह मुख्यतः मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तेणु जेतेबेले आमे जन्मजातकरु विवाह कथा विचार करिबा, जन्मजातकरु मंगल, बृहस्पति एवं शुक्रंकर स्थिति को मध्य देखिबाकु पड़िथाय। सर्वोपरि आपणको आज किछि प्रतिकार मु कहिबि। जदि आपणकर विवाह क्षेत्र रे समस्या सुथाय, प्रस्ताव आसिला परे ताहा जदि फाइनल हेइ पारुनथाय, बा फाइनल हेला परे जदि ताहा भांगी जाउथाय, वयस आपणकर बढ़ी बढ़ी चलीची, आपणकर पेरेंट्स बहुत चिंतार अच्छा, ताले ई उपाय आपण निश्चित करंतु। जो केतोटी उपाय मु आपण मानको कहिबी, जदि ता भितरु आपण चारोटी पांचोटी उपाय करूचंती, ताले बहुत कम दिन भितरे आपणकर जो विवाह समस्या देखा दोची ताहा दूर होइजिवो। प्रथम उपाय, प्रत्येक दिन अश्वस्थ गच्छ मूळरे मीठा जल समर्पण करंतु। मीठा जल कहिले शुद्ध पानी रे आपण खंडे मिश्री किंबा अल्प चीनी किंबा कंद पकाई देबे। मीठा पानी प्रस्तुत करी आपण प्रत्येक दिन अश्वस्थ गच्छ मूळरे समर्पण करिवे। जदि कन्या माने हिथिबे, ताहाले रविवार एवं अशौच समय रे बंद रखिबे, बाकी सबु दिन मीठा पानी आपण अश्वस्थ गच्छ मूळे समर्पण करिवे। एवं जे कोनोसी मंगलवार दिन गोटे सुखिला नडिया नेबे, तार कत्ता छड़ाई देबे। नडियार जो तीनोटी आखि थिबो, सबुठ बड़ आखि जोटाको से आखिटुकु कणा करिदेबे। आखि कणा करि सारिबा परे नडिया भितर थिबा समस्त पानी को आपण बाहर करदेबे। से आखि बाटे नडिया भितर चीनी भरिदेबे। एवं दिन एगारटा रु बारटा मध्यरे, मंगलवार दिन मने रखंतु, दिन एगारटा रु बारटा मध्यरे माटी दीपरे राशि तेल देबे, लाल रंगर बत्ती सेथिरे पकेइबे। चीनी भर्ती नड़िया सहित अस्वस्थ गच्छ मूल को जिबे, नड़ियाटी को अस्वस्थ गच्छ मूले पोती देबे। एमिति भावरे पोतिबे जेमिति कि नड़िया तो पोती हेब, किंतु जो आखि थिबो से आखिरे जेमिति माटी न पड़े, सेथि प्रति आपण को ध्यान देबाकु पड़िबो। नड़िया पोती सारिबा परे जो दीपटी आपण नेइथिबे, अस्वस्थ गच्छ मूलरे दीपटी को जाळी देबे, सात थर गच्छ को प्रदक्षिण करिबे। आपणकर विवाह समस्या दूर होइ जाउ बोली आपण विश करि प्रणाम करिबे। जदि एही उपाय करूचंती, ताहाले आपणकर विवाह क्षेत्र रे जो समस्या आसुचि ताहा दूर होइ जिवो। द्वितीय प्रतिकार, पुओ हंतु बा झियो हंतु सबुदिन गाधेबा पानी रे अल्प हळदी गुंड पके गाधेबे। प्रत्येक दिन कदळी गच्छ मूळरे हळदी पानी करी अर्पण करिबे। ओम ब्रूं बृहस्पतये नमः मंत्र को सात थर उच्चारण करिबे। जदि एही उपाय करूचंती, ताहाले जो विवाह समस्या देखा दोची ताहा दूर होइ जिवो। आउ गोटे महा उपाय आपण मानकु कहिबी, प्रत्येक मंगलवार दिन भगवान श्री गणेश को दर्शन करंतु। भगवान श्री गणेश को 21 केरा दुब समर्पण करंतु। भगवान श्री गणेश मंदिर रे शुद्ध गाय घी दीपटीय लगातु एवं मंदिर रे बसी श्री गणेश गायत्री मंत्र 27 थर जप करंतु। गणेश गायत्री मन रखंतु।
ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये हूँ प्रभु श्री गणेशंकर गायत्री मंत्र। आपण ये गायत्री मंत्र को मंगलवार दिन गणेश मंदिर रे बसी जप करंतु। मंत्र मु वीडियो डिस्क्रिप्शन रे देछि, आपण सेटु चेक करने बे। आउ गोटे उपाय कहिबे आपण को, निजर जन्म तारीख आपण जो डेट रे जन्म होइछंती सेई डेट रे आपणको मांक पाखरु एक चांदीर गोल लकेट आपण उपहार स्वरूप आणंतु। मांको कहंतु कि मते गोटे रूपार गोल लकेट तमे तयारी कर दियो। आपणकर जन्म जो तारीख रे हिथिबो सेई तारीख रे आपण मांको ठारु से लकेट को ग्रहण करंतु एवं से लकेट को धूप दीप फूल चंदन दे पूजा करंतु। एवं से लकेट को आपण जदि चाहिबे आपणको गळारे लाल फितारे लगाई पारिबे, किंबा सब बेले से लकेट को आपण आपणको पाखरे रखिबे। जदि एही उपाय करूचंती ताहाले विवाह क्षेत्र रे जो समस्या आसुचे ताहा दूर होइजिबो। जीबा नेक्स्ट उपाय को, शुक्लपक्षर गुरुवार दिन एक पुराणा चाबी को, शुक्लपक्षर गुरुवार दिन गोटे पुराणा चाबी अनयूज की बा जो चाबी घरे पड़ी थिबो व्यवहार हो नथिबो बा कोलफ खराब हो जाइथिबो किंबा कोलफ हजि जाइथिबो खाली चाबी थिबो, सेही भली एक पुराणा चाबी को निज शरीर उपरे उल्टा तीन थर घुरेबे। उल्टा मतलब डाहाणरु बामकु, आपणको शरीर उपरे डाहाणरु बाम पटकु तीन थर घुराई आणिबे। संध्या समय अंधार हवा परे अर्थात संध्या 7टा रु 8टा मध्यरे चुपचाप से चाबीटी को नेबे। कौनसी चौछकी रास्ता उपरे से चाबीटी को रखि देबे एवं घर को फेरि आसीबे। एई प्रक्रिया करिबा समय रे आपण का सहित कथा हेबेनी किंबा पछकु चाहिबे नाही। ए उपाय करिबा द्वारा मध्य विवाह क्षेत्र रे जो समस्या रहिछि ताहा दूर होइछो। एबे जिबा नेक्स्ट प्रतिकार को, जदि कोनोसी कन्यांकर विवाह अजथा विलंब होथाय ताहाले निजर नाक फोड़ी नाकरे गोटे गोल रिंग गोल्ड रो सुनार गोटे गोल रिंग आपण लगांतु। या द्वारा मध्य विवाह प्रस्ताव जल्दी आसी आपणकर विवाहर बहु जल्दी संपन्न होइजिबो। एबे जो उपाय मु कहिबि से उपाय को माँ बापा किंबा घरर अन्य कोनोसी सदस्य करिबा उचित। शुक्ल पक्षर गुरुवार दिन बेसन रे शुद्ध गाई घिओ रे किछि लड्डू प्रस्तुत करंतु एवं हळदी रंगर चुनरी जेउथरे चुमकी वगैरह लागिथिबो बहुत सुंदर देखा जाउथिबो किंतु कलर होइथिबो येलो कलर, हळदी रंगर चुनरी एवं शुद्ध गाई घिओ रे तयारी बुंदी लड्डू को नै आपण लक्ष्मी नारायण मंदिर को जानतु। लक्ष्मी नारायण को उक्त चुनरी को आपण समर्पण कर देबे एवं जो लड्डू प्रसाद आपण नैथिबे प्रभु को पाखरे ताकु नैवेद्य समर्पण करिवे एवं से प्रसाद को मंदिर बाहर बा मंदिर प्रांगण रे जदि कोनोसी भक्त थांते तांकु खाइबा को दे देबे। एही भली आपण तीन थर करिवे अर्थात तीनोटी गुरुवार करिवे। आरंभ करिवे शुक्ल पक्षर जे कोनोसी गुरुवार रु तीनोटी गुरुवार करिवे। जदि एही भली कन्या होंतु बा पुत्र होंतु तांकर पेरेंट्स माने जदि करूचंती ताहाले तांको पिलांकर जो विवाह क्षेत्र रे समस्या आसुचि ता दूर होई जीवो। आउ गोटे प्रतिकार कहिबि, प्रत्येक सोमवार दिन कंचा क्षीर सहित जल मिसेबे 5टा त्रिशाखा बेलपत्र आपणकर शक्ति सामर्थ्य अनुसार भोग ए सब को नै शिव मंदिर को जिबे। भगवान शंकरंक लिंगरे जल मिश्रित क्षीर को अर्पण कर देबे। जो बेलपत्र नैथिबे ताकु मध्य प्रभु को अर्पण कर देबे। एहा परे ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः ए मंत्र को शिव मंदिर रे बसी आपण 37 थर जप करिबे। एहिभली प्रत्येक सोमवार आपण करंतु। एहि प्रक्रिया से पुओ हुंतु बा झिओ हुंतु देखिबे खूब कम दिन भितरे आपणकर विवाह क्षेत्र रे जो बाधा समस्या आसुचि ताहा दूर होइ जिवो एवं आपणकर बहुत सुंदर जगह रे विवाह संभव हबो। एतद व्यतीत आ गोटे लास्ट रेमेडि आपणकु कहिबि, प्रत्येक मंगलवार दिन आपण हनुमान को मध्य दर्शन करि पारिबे। प्रत्येक मंगलवार वीर बजरंग बाली को सिंदूर एवं तलाभिषेक करंतु। विधिवत भावरे वीर हनुमानंकर पूजा अर्चना करंतु एवं प्रत्येक दिन वीर बजरंग बालींकर गायत्री मंत्र आपण 37 थर लेखा जप करंतु। हनुमानंकर गायत्री मंत्र मने रखंतु, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनु पचोदयात ये हूँ भगवान श्री वीर बजरंग बाली हनुमान गायत्री मंत्र आपण प्रत्येक दिन 27 थर हनुमान गायत्री जप करतु आपण बिवाह क्षेत्र में जो समस्या देखा दूची प्रस्ताव आसला फाइनाल हो पारुनि ता निश्चित भाव दूर हो। दर्शक बंधु ये बिवाह क्षेत्र में जदि समस्या आसुता है कौन करवा प्रतिकार। दर्शक बंधु प्लीज आपण को मो रिक्वेस्ट करी ए वीडियो को आपण अधिकरु अधिक शेयर करंतु बहुत सारा पिला अच्छा मत कमेंट बॉक्स रे भी से लिखिंट मत भी फोन करुँचि समस्या दे से माने गति करुँचर पेरेन्ट्स बापा माँ मैंने बहुत दुखे अच्छा झीर बाहाघर को नहीं पुअर बाहाघर को नहीं बयस अधिक हो जाऊँगी किंतु बिवाह हो पारुनी। प्लीज आपण मैंने वीडियो को शेयर करूँ समस्त पाखे पहुँचातु समस्ते जानवा दरकार। दर्शक बंधु आशा करी आज टॉपिक आपको भल लगी प्लीज आपने वीडियो को लाइक करेंगे आपण को आउ थे मुझे अनुरोध करुच्ची प्लीज आपने वीडियो को शेयर करेंगे समस्त पाखे पहुँचे। दर्शक बंधु पुणी आसवि आगामी दिन में आउ एक टॉपिक नहीं सपर्त आपने भल खुशी था मतलब विदाय दिखुं रही जय मा सरला जय गुरुदेव।